विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स टांडा अंबेडकर नगर यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50-60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। पुलिस की नौकरी में छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। और इसके बाद कैसा खाना मिलता है, इस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं ये जवान सस्पेंड होगा या इसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस वीडियो ने पूरे तंत्र मंत्र की पोल खोल दी है। मेस में खाना अच्छा ना मिलने की शिकायत को लेकर सिपाही मनोज कुमार वर्दी में आया सड़क पर। हाथों में खाने की प्लेट, रोटी दाल चावल लेकर बताई आप बीती। कहा पानी जैसी मिलती है दाल, नहीं है कोई अधिकारी सुनने को तैयार। रो रो कर बताई मेस में मिलने वाले खाने की कहानी, पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे लाख दावे करती रही, पुलिस विभाग के सिपाहियों को मेस में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, लेकिन फिरोजाबाद की पुलिस लाइन में एक आरक्षी सिपाही मनोज कुमार ने इन बातों को खोखला साबित कर दिया है। आज मनोज मेस में खाना अच्छा नहीं मिलने की शिकायत को लेकर अपने सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वो हाथों में प्लेट में रोटी दाल चावल रख कर सड़क पर आ गया। और वहीं आप बीती रो रो कर बताई कि मेस में जो खाना बन रहा है वो बहुत ही खराब बनता है, पानी जैसी दाल बन रही है, रोटी भी खाने लायक नहीं है। आरक्षी मनोज का कहना है कि उसने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उसे यहाँ सड़क पर आना पड़ा। वहीं इसकी खबर जब आला अधिकारियों को लगी तो पुलिस की जीप पहुँच गई और आरक्षी मनोज कुमार को जबरन जीप में बैठा कर पुलिस लाइन ले गई। फिरोजाबाद मुख्यालय में तैनात आरक्षी मनोज कुमार की बेबसी सुनिए। मुख्यमंत्री कहते हैं अच्छा पॉलिटिक का, आपने 21 अक्टूबर को देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम सभी राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों को पौष्टिक आहार के लिए भत्ता देते हैं। उन्होंने शायद 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया था। आप बताइए अब यही पौष्टिक आहार मिल रहा है। आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे, आप ये तो देख लीजिए। अरे तू चल चौकी बता, चल चौकी में बैठ जा। गुरु मुझसे अब तो रही है नहीं गप, नहीं गुरुदेव भाई पीछे पीछे इस विभाग में देखिए कोई सुनने वाला नहीं, सब दबाव बनाने वाले हैं। अरे दबाव ना बना रहा भाई, चल कोई नहीं है, सब सब गुरु बेकार है। सब चाहते हैं आप लोग हमसे क्या अच्छा कार्य करें, आप बताइए इसको कहा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। कोई सुनने वाला इस विभाग में नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। इतना दुखी करके रखा से मैं एक टूक का रोटी रंग नहीं जा पाया मेज में। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता चंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मोहल्ले द्वारा, कर्णा द्वारा, मेस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को तुम लेकर की जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा, फोन काट दो बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएस बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, आपको फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के बंदन निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं। कोई सुनने वाला दबाते जाते हैं आए दिन आत्महत्या करना है सिपाही, मर जाते हैं, चले जाते 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यही बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं जाऊंगा साहब, कहाँ से नहीं जाऊंगा साहब, बिल्कुल बचिएगा।
कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांटियों में स्पेयर पार्ट्स आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें मुबारकपुर टांडा अंबेडकर नगर यूपी अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।